विहान ये क्या कर रहा है? विहान? पियू क्या कर रहा है? विहान क्या टूट रहे हो तुम? क्या क्या कर रहे हो? विहान जी मेरे सामान के विहान जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए ना। दूर खड़ी रहो। क्या चाहती हो? क्यों मेरे परिवार की दुश्मन बनी हो? कौन हो तुम बताओ? क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तुझे? ये मिली नहीं है। सुना हम सबने? ये मिली नहीं है तो फिर ये कौन है? बहरूपिया जो हम सबको बेवकूफ बना रही है। आप क्या कह रहे हैं व्यान जी? जब आप मुझे यहां लाए थे उसके पहले सारी जांच पड़ताल की थी ना आपने? की थी कि नहीं? हाँ हाँ तुमने तो कंफर्म कर लिया था ना कि मिली ही है। राज जी सब क्यों बोल रहा है? क्योंकि उस वक्त मैंने पुलिस रिकॉर्ड चेक नहीं किए थे दादी माँ। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मिली मर चुकी है। तेरा कहने का क्या मतलब है विहान? मैं मिली हूँ दादी माँ, मैं सचमुच की मिली हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे ना? मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे पेपर्स हैं मेरे पास। अरे सबूत तो बनाया भी जा सकते हैं। वही किया है तुमने। अच्छा ठीक है, सबूत बनाए जा सकते हैं ना, यादें तो नहीं बनाई जा सकती ना। याद है व्यान जी आपको, जब पापा ने मुझे किसी के घर नौकरानी का काम करने भेजा था तब आपने मुझे बचाया था, याद है आपको? ये लो 5,000 रुपए 50% एडवांस। क्या कर रहे हैं आप? हमारी मिली कहीं काम नहीं करेगी। और याद दिलाओ आपको वो तो याद होगा ना जब आपने भैया को गुंडों से बचाया था, याद है ना? पुणे घर की तलाश लो। अरे ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? क्या हो रहा है सब? आप इस तरह बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं? कायरा वत्सल कहाँ है? कायरा यहाँ नहीं है। क्या आप जानते हैं कायरा वत्सल असाइलम से भाग चुकी है? हमारे ही कस्टडी में थी वो। अगर पकड़ी जाती है तो उसे क्या सजा मिलेगी मालूम है ना आपको? सर अंदर तो कोई नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कायरा नहीं है। हो गई तसल्ली आपको? आप फिजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंस्पेक्टर। मुझे पता चला है उसके वहां से भाग जाने में आपने उसकी मदद की है। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब चुप क्यों हो गए मिस्टर विहान, बताइए?
और हम पुलिस वालों के पास इंफॉर्मेशन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। किसी भी वक्त कायरा यहाँ पहुंच सकती है। अगर पुलिस वालों के सामने वो यहाँ आ गई तब तो गड़बड़ हो जाएगी। पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेंगे। मिली की सच्चाई सबको जाके बतानी होगी। हम आपको अपने बेटे के साथ कोई ज्यादती करने नहीं देंगे इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि हम अपने बच्चे को अच्छी तरह जानते हैं। वो कोई ऐसा वैसा काम तो कर ही नहीं सकता। अगर आप कानून की आड़ लेकर आप ये सलूक नहीं कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक वकील हूं और अच्छी तरह से जानती हूं कि बगैर सर्च वारंट के ऐसा नहीं कर सकते। सो जस्ट बैक ऑफ। होंगे आप पुलिस वाले, लेकिन आप हमें इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। पुलिस 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 कहकर दिमाग खराब कर दिया आपने। बिना सर्च वारंट के हमारे घर में नहीं घुस सकते आप इस तरह से। हमने आपसे कहा ना कायरा यहाँ नहीं है। क्यों कायरा के पीछे पड़े हुए हैं आप? कायरा नहीं है यहाँ। ओह गॉड, पुलिस मुझे यहाँ पकड़ने पहुंच गई, क्या करूं? क्या बात है कायरा, तुम तो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा चालाक निकली। लेकिन एक बात पता है तुम्हें, तुम चाहे जितनी भी चालाकी करो तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। यू ये मेरे जूते जमीन से कैसे चिपक गए? तुमने किया है ना? हाँ? जादू? क्या तुम इस जादू से जीत पाओगी? इसी जादू से मैं तुम्हारे सतरंगी ससुर, तुम मेरे सतरंगी ससुराल का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और मैं अपने परिवार को तुमसे बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। यू कहाँ गई? कायरा, मैं तो यहाँ हूँ। जादू? यस, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे बचाइए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज लिसन टू मी। कायरा पागल नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई, इसे कोई भाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज समझिए मेरी बात को, शी इज नॉट मैड। देखिए आप पुलिस के काम में दखलंदाजी मत कीजिए। ध्यान मुझे बचाओ। ले चलो इसे। ध्यान प्लीज मुझे बचाओ। नॉट राइट इंस्पेक्टर साहब। बात कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़। आ
प्लीज मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पिंकी कुछ करो। कुछ नहीं किया। अब तुझसे यहाँ की हर पागल औरत को सबक मिलेगा कि मेरे पागल खाने से भागने की सजा क्या होती है। मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मिले की असलियत का पता करना ही होगा। उसकी असलियत ही वो सबूत है जिससे कायरा को बचाया जा सकता है। मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती कायरा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मुझसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हो। अब ये कभी भी भागने की हिम्मत नहीं करेगी। मैंने कुछ नहीं किया।
अरहान बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो बेटा? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ अरहान? क्या हुआ बच्चे, बोलो ना, इतने डरे हुए क्यों हो? बोलो बेटा, क्या हाँ क्या है वहाँ, क्या है बेटा, क्या है वहाँ बेटा, बोलो। मेरी मासी है ना, उनके पैर उल्टे हैं। चलो ठीक, उसी के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए ही आया हूँ कायरा, कुछ नहीं होगा, बस मुझ पे भरोसा करोगे। मुझे मुझे बहुत बहुत मारा है, बहुत दर्द हो रहा है, आओ। नहीं बेटा कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि ठंड बहुत ज्यादा है ना, तुम्हें एक और रजाई चाहिए क्या? नहीं दादी माँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा अरहान, चलो आओ सो जाओ मेरे साथ, बहुत टाइम हो गया, आ जाओ। अरहान, मैं से ताई माँ के पीछे क्यों छुप रहे हो? अरे कुछ नहीं, बच्चा है, आज उसका दिल कर रहा है कि वो हमारे साथ सोए, तो हमारे साथ सो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सो जाओ। चलो चलो। क्या अरहान को क्या हुआ, कहीं इसने कुछ देख तो नहीं लिया, ये इतना डरा हुआ क्यों लग रहा था? चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय पीजिए नींद भगाइए, चाय पीजिए नींद भगाइए, चाय पीजिए नींद भगाइए, चाय 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 आपके लिए भी चाय, चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय। मैडम मैडम, मैडम गरमा गरम चाय, पानी लेकर आओ। मैडम के लिए पानी,
जाओ। क्या है? चाय मैडम। खास आपके लिए बनाई है, चाय पीजिए, नींद को भगाइए। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ। जो दवाई मिलाई थी उसका असर हो गया है, फटाफट मुझे कायरा को यहां से निकालना है।